दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाप मूवी के बारे में। बाप बाप क्या होता है? बाप वो होता है जो हमारे सबका बाप होता है। सो गाइस फाइनली ये मूवी इसी साल हमको देखने को मिलने वाली है 2023 का, मतलब इसी साल जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है एंड वाले महीने में। सो गाइस इस मूवी में हमको सनी देओल और संजय दत्त देखने को मिलने वाले हैं। संजय दत्त फिर हमको पुरानी यादें हैं, पुरानी बहुत पुराना एक्टर है यार। मैं अभी छोटा था जब इसकी मैं मूवीज देख रहा हूँ, मैं कहता मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब जब किस संजय दत्त की मूवी आ रही है। खैर एनीवे इस मूवी में हमको संजय दत्त देखने को मिलने वाले हैं और सनी देओल भी देखने को मिलने वाले हैं। बाप मूवी मैंने देखी है, उसका भी मैंने ट्रेलर देखा है, बड़ा कमाल का ट्रेलर है। जब मैंने ट्रेलर देखा है उसकी बॉर्डर जो मूवी आई थी सनी देओल की ठीक था वो भी ट्रेलर, लेकिन जो बाप मूवी आने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि फाइट देखने को मिलने वाली है। फाइट के अलावा हमको इस मूवी में बहुत ज़्यादा इनके जो मेन एक्शन देखने को मिलने वाले हैं, सनी देओल का वो जो गुस्सा है ना, गुस्सा आप लोगों ने देखा होगा सनी देओल का, वो गुस्सा हमको फिर इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है उससे पहले हमको मूवी मिली थी इसकी बॉर्डर इसकी मूवी आने वाली है, बॉर्डर 2 मूवी आने वाली है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले गदर मूवी आई थी, गदर 2 मूवी आई थी और है कमाल की मूवी थी, आई लाइक ये चीज मैं कहता हूँ। लेकिन यार उस बंदे को मुझे अभी तक बहुत गुस्सा है, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाई है, मुझे बहुत उस बंदे पर गुस्सा है। खैर उसका कल्चर है हम क्या कह सकते हैं। सो इस मूवी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है यार मिलियन बिलियन डॉलर में हुई है मैं कहता हूँ। लेकिन नहीं, जवान मूवी को उसने क्रॉस नहीं की है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है। खैर एनीवे हमको क्या है, बाकी ये मूवी हमको इसी साल देखने को मिलने वाली है। हर बंदे को शिद्दत से इंतजार होगा कि संजय दत्त की एंट्री हमको फिर दोबारा देखने को मिलने वाली है। संजय दत्त की एक और मूवी आ रही है लीव ऐसे करके मूवी है, लेकिन उस मूवी का भी कन्फर्म नहीं है, कब आनी है। लेकिन ये जो बाप मूवी आने वाली है तो पक्का कन्फर्म है ना हमको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है। बड़ा शिद्दत से इंतजार है, बस जल्दी जल्दी बाप मूवी आ जाए और हम देखें। बाकी संजय दत्त की मूवीज पहले बहुत अच्छी होती थी, बहुत देर बाद हमको कैंपों के नीचे देखने को मिलने वाले हैं, बहुत काफ़ी देर बाद। हाँ फिकर बात है यार, बहुत अच्छा पहले इसको बनने की मूवी आई थी, लेकिन खैर हमको फिर बाप मूवी में संजय दत्त और सनी देओल की एंट्री देखने को मिलने वाली है। ये बॉलीवुड के स्टार हैं, स्टार समझ लेते हैं जैसे आसमान पर स्टारे नहीं होते, वही समझ ले मैं कहता हूँ ये हमारे लिए भी स्टार हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग, इनके एक्शन, इनका यार जो मूवीज में एंट्री करना बहुत मैं कहता हूँ कमाल की एक्टिंग होती है। बाकी जब ये बाप मूवी आएगी फिर पता चलेगा कि कैसी मूवी है। बाकी चलने का ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना। बाकी के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।